आजकल हर दूसरा व्यक्ति तनाव में है और तनाव के चलते जो है वो अपने जरूरी काम को नहीं कर पाते, जिसके चलते उनका तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये उनके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने लगता है। और ऐसे में फिर उनको समझ नहीं आता कि वो उस टाइम पे क्या करे। मेंटल हेल्थ के साथ ही वह अपने फिजिकल हेल्थ को भी खराब करने लगते हैं। तो इस टाइम पे चाहिए कि वो अपने हेल्थ का, मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ का ध्यान रखे। आज मैं स्ट्रेस के सभी पहलुओं के बारे में बात करूंगी कि यह स्ट्रेस जो है आपके लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, आप इसको कैसे हेल्दी तरीके से मैनेज कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे में, ताकि यह आपके पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा रख सके। क्योंकि अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है तो फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं होगा, और अगर दोनों हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो सोशल हेल्थ अच्छा नहीं होगा। और इन तीनों के चलते अगर आपने इम्बैलेंसेस क्रिएट किया तो आपका पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप खराब हो सकता है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे आयुर्वेदिक टिप्स के बारे में, ऐसे हेल्दी लाइफ स्टाइल और डाइट के बारे में, जिसके चलते आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। स्ट्रेस के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि स्ट्रेस क्या है। लोग कहते हैं कि मुझे बहुत स्ट्रेस है, बहुत तनाव ले रहे हैं वो, पर ये तनाव है क्या? जब मन की स्थिति और परिस्थिति दोनों के बीच आपसी तालमेल नहीं बैठ पाता, यानी कि ये दोनों में इम्बैलेंसेस क्रिएट होती है, तब स्ट्रेस जो है पैदा होता है। स्ट्रेस का एक मेन कारण होता है डर। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर आप अभी भी स्ट्रेस में हो तो आप उसका जड़ कारण ढूंढो। किसी ना किसी वजह से मन में एक डर रहता है, चाहे वो किसी को खोने का डर हो, या करियर में आगे ना बढ़ पाने का डर, या अगर आप आगे बढ़ गए हैं तो उसको कैसे बैलेंस करने का डर, अगर आपके बॉस ने कुछ आपको असाइनमेंट दी तो पता नहीं ये अच्छा रहेगा या नहीं। हर एक चीज के पीछे जो डर होता है, यह आपके स्ट्रेस का कारण है। तो इस डर को कैसे आपको कम करना है? वैसे तो स्ट्रेस दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक बच्चा अगर पढ़ाई के लिए स्ट्रेस ले रहा है तो वो पढ़ेगा, अगर उसने स्ट्रेस ही नहीं लिया तो वो पढ़ाई नहीं करेगा, तो वो स्ट्रेस है पॉजिटिव स्ट्रेस। और एक बच्चा वही है जो एग्जाम के बाद, मार्क्स आने के बाद वो डर रहा है, घबरा रहा है कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, उसको बोलते हैं नेगेटिव स्ट्रेस। और उस नेगेटिव स्ट्रेस के चलते बहुत सारे लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं। तो पॉजिटिव स्ट्रेस अच्छा है, पर नेगेटिव स्ट्रेस आपके लिए हार्मफुल है। अब यह स्ट्रेस बॉडी में कैसे अफेक्ट करता है? जब भी आप स्ट्रेस में होते हो तो आपके शरीर से एक रसायन रिलीज होता है। ये वही रसायन है जो आपके हार्ट अटैक के टाइम भी रिलीज होता है। अगर यह रसायन आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ता है तो आपको बहुत सारे फिजिकली कंडीशंस हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। उस रसायन का नाम है कॉर्टिसोल। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल रसायन रिलीज होता है, जिसके वजह से आपका हार्ट रेट भी बढ़ सकता है, आपका पल्स बढ़ सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है। ये बहुत सारे तरीकों से आपके ऑर्गन को अफेक्ट करता है। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है या आपका जो लाइफ है स्ट्रेसफुल है, तो आपको जो मैं बताने वाली हूँ उन चीज़ों का सेवन जो है करना चाहिए। सबसे पहले है कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी में जो है एपीजेनिन और ल्यूटिनिन नाम का केमिकल होता है जो आपके स्ट्रेस को कम करता है। साथ ही यह आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा कर देता है, आपके सर्कुलेशन को अच्छा कर देता है, जिससे कि आपका जो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है उसको यह कम करने में हेल्प करता है। तो इसको आप स्नैक्स टाइम पे, जैसे आप चाय लेते हो तो चाय की जगह पे आपको इसको लेना है। सेकेंड थिंग, तुलसी का टी। अगर आपके सबके घरों में तुलसी होता है, तुलसी जो होता है यह बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक रेमेडी है आपके स्ट्रेस के लिए। आप तुलसी के 4-5 पत्ते लेके उबाल के आप उसको पी लीजिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आता है। यह आपको अच्छी नींद भी देगा, आपके बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। थर्ड वन, एसेंशियल ऑयल, लेवेंडर ऑयल। ये बहुत ही अच्छा होता है, आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, क्योंकि स्ट्रेस में क्या शरीर बहुत थका हुआ महसूस करता है। तो अगर आप एसेंशियल ऑयल किसी भी तरह का मसाज लेते हैं तो यह आपको तुरंत ही रिलैक्स कर देता है, आपके स्ट्रेस को कम करता है। इसके लिए आप कोई भी तरह के एरोमा ऑयल्स यूज कर सकते हैं जो आपके लिए सुटेबल हो, जो आपको अच्छा लगता है। फोर्थ वन है अश्वगंधा। अश्वगंधा बहुत सारे फायदों के लिए जाना जाता है, पर यह आपके शरीर में जो कॉर्टिसोल होता है उसके लेवल को डाउन करता है। तो अगर आप अश्वगंधा को दूध में उबाल कर लेते हैं ना, तो ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है। इससे आपको अच्छी नींद आएगी, आपका दिमाग ठंडा रहेगा, मन शांत रहेगा। हमने जान लिया रेमेडीज के बारे में, अब ऐसा क्या चीज है जो लाइफ स्टाइल में चेंज करनी है? सबसे पहले है टाइम टेबल। दिन भर का एक टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को स्ट्रेस इसी वजह से होता है कि वो अपने काम को नहीं कर पाते, या फिर जो वो लाइफ में करना चाह रहे हैं या पूरे दिन भर कुछ करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं, फिर सोने से पहले वो स्ट्रेस लेते हैं। सो आप उठने से लेके सोने तक का एक टाइम टेबल बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी के ज़माने में,
फोन यूज करना, आप सोने से पहले डिजिटल कोई भी डिजिटल चीज यूज ना करें। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है स्लिप के ऊपर। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है स्लिप, एक प्रॉपर स्लिप का होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने नींद नहीं लिया तो आपके बॉडी में कोई स्ट्रेस हार्मोन होता है उसका लेवल बढ़ेगा, तो एक प्रॉपर नींद का होना जरूरी है। जो इंसान बहुत कम नींद लेते हैं उनको जल्दी हार्ट इश्यूज होने लगते हैं, उनको किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनके ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो एक प्रॉपर नींद का होना ज़रूरी है। अपने डेली रूटीन में आप कुछ चीज़ों को शामिल करिए, जैसे कि बुक रीडिंग। जिनको बुक रीडिंग पसंद नहीं है वो म्यूज़िक सुनिए। ध्यान रहे कि आपको सॉफ्ट म्यूज़िक सुनना है, ना कि सैड सॉन्ग, क्योंकि जनरली होता यह है कि लोग सैड सॉन्ग सुनते हैं स्ट्रेस के टाइम। यह सॉन्ग जो है और ज़्यादा उसको मोटिवेट करता है कि हाँ आप सैड हो, तो यह और ज़्यादा स्ट्रेस को बढ़ा देता है। तो आप बहुत पीसफुल हैप्पी सॉन्ग सुनिए। बाहर का खाना अवॉइड करना है। जितने भी टाइप के जंक फूड है जो बाहर से हम खा लेते हैं, हमें उस टाइम तो अच्छा लगता है, पर यह नेचर में तमस होता है, यानी कि यह आपके बॉडी को माइंड को एक्साइट करता है। जो भी आपके अंदर के इमोशंस है उसको यह दोगुना करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने आप को टाइम देना। जब आप अपने आप को टाइम देते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होने लगता है। तो सुबह उठकर आप थोड़ा वॉक करिए। वॉक करने के साथ जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश एयर होता है, ये आपके मन को दिन भर के लिए शांत रखता है। तो इन सारी चीज़ों को अपने डेली लाइफ में आप इंक्लूड करिए, यही आपके स्ट्रेस को मैनेज कर सकती है। इसके अलावा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस के लिए कोई दवाइयाँ नहीं आती है। वो आपको दवाई जो देते हैं वो आपको सुला सकती है, आपके शरीर में हैप्पी हॉर्मोन्स बना सकती है, पर ये हैप्पी हॉर्मोन्स आपके बॉडी में आप खुद बना सकते हो। इस बात को आप अभी से नोट कर लीजिए कि इन सारी चीज़ों को अगर आप 20% भी फॉलो करते हैं तो स्ट्रेस के लिए आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने मेंटल हेल्थ पे भी एक वीडियो बनाया है, तो अगर आप अपने मेंटल हेल्थ का लेवल चेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। इसमें कुछ ऐसे सवालों के जवाब हैं जो आपको बताते हैं कि आप मेंटली स्ट्रांग है या नहीं। सो इसी तरह के वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज़ आप लोग के लिए बनाते रहूँगी। आज के लिए केवल इतना ही, तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।